आज मैं बना रही हूँ समा के चावल की खिचड़ी। इसको फास्ट में भी खा सकते हैं और डाइटिंग में भी ले सकते हैं। पहले मैं कुकर चढ़ाऊंगी, जितनी दिखती रहे उसी के हिसाब से। पहले मैं कुकर चढ़ाऊंगी, उस पर घी डालूंगी, फिर जीरा डालूंगी, फिर कड़ी पत्ता डालूंगी, फिर हरी मिर्च डालूंगी। उसके बाद लौकी और आलू कटे रखे इनको डालूंगी मैं, और ये समा के चावल मैंने बॉस कर रखे इन्हें डालूंगी मैं। और इसके बाद लाहौरी नमक डालूंगी, उसको डाइटिंग में भी ले सकते हैं और फास्ट में भी ले सकते हैं। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी और सीटी आने का इंतजार करूंगी। और ये है हमारी किचन डोर, इसमें हमारे बर्तन रहते हैं, इस नीचे वाले में कटोरियां रहती हैं। और ये है माइक्रोवेव स्टैंड, इसमें माइक्रोवेव और उसके माइक्रोवेव के बर्तन रहते हैं। इसमें इसमें माइक्रोवेव रखा हुआ है और ये इसमें यूज में आने वाले बर्तन रखे हुए हैं। ये किचन टूर देख रहे हो आप हमारा, इस वाली रैक में सारा कांच का सामान रहता है। फिलहाल तो अभी बिगड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन सारा इसमें कांच का ही सामान है। मिट्टी के बर्तन है हमारे पास, निजामाबाद से मैं मिट्टी के बर्तन लाई थी। ये मिट्टी के बर्तन है हमारे पास, ये कांच का सामान है फिरोजाबाद से लाई थी मैं। ये है हमारी किचन, कैसी लगी किचन हमारी? आप जल्दी जल्दी जाओ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ये फ्रिज है, ये हमारा मंदिर है। घर से घुसते ही एंट्री करोगे वैसे ही हमारा मंदिर आएगा सबसे पहले, और उसमें गोपाल जी विराजमान है, और मेरे मकान का भी नाम गोपाल भवन है, गोपाल जी के नाम पे ही है। इसमें है माता रानी और ये सामने गोपाल जी विराजमान है। ये हमारा ड्राइंग एरिया है, ये हमारे फैमिली डॉग हैं और ये इनकी पूरी फैमिली है, और यही मेरा परिवार है। ये है हमारी काम वाली, और ये है बैठक रूम। ये है हमारा घर, और खिचड़ी रेडी हो गई है। किस किस को खाना है जल्दी जल्दी कमेंट करो, और मैं खिचड़ी परस रही हूँ, आप सब भी खाओ। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों